नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज UNI। मैं प्रीति सिंह आज लेके आई हूँ कुछ संदेश आपके लिए। जब आप प्रदूषण देखते हैं तो सबसे पहले बचाने का ख्याल किसका आता है? पेड़ों का, यानी कि विश्व का। ऐसे ही कुछ संदेश लेके आए अदम्य चेतना फाउंडेशन आपके तक पहुंचाना चाहता है। ये फाउंडेशन हर रविवार को वृक्षारोपण के रूप में पेड़ लगाते हैं ताकि इस देश, दुनिया सबको बचाया जा सके, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सोचते हुए प्रदूषण के बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में, जो हम जिससे हम सांस लेते हैं उसके बारे में सोचते हुए ये मैसेज लेके आ रहे हैं चेतना फाउंडेशन। अदम्य चेतना फाउंडेशन बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर हर हफ्ते पेड़ लगा रहा है। स्कूल कॉलेज के बच्चे, NSS और स्थायी स्वयंसेवक भी भाग ले रहे हैं और फिर हरित रविवार के नाम पर इसे एक देखभाल कर रहे नामांतिक कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व केंद्र मंत्री सगत अनंत कुमार ने की थी। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह होता है। आज शहरीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई से प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भविष्य में जीवन जगत की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ऐसे में वृक्षारोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य में भरदक ओडिशा के युवा फ्लिप मिश्रा ने 8 वर्ष तक वृक्षारोपण किया है और पक्ष के और पत्र बने बेंगलुरु में रहने वाले उड़िया लोगों ने समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। Personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, SME loan, car loan, इंश्योरेंस। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से वेलमेंट फाइनेंस के वेबसाइट पे जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।